फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे सारा कुछ बताऊंगा, और अभी हम लोग पहुंच गए हैं ये कान्हा का जो प्रवेश द्वार है, इसको खटिया गेट बोलते हैं। आप लोग देख रहे हैं सुबह से ही बहुत सारा भीड़ है, हमारे क्लिक जो है ना फ़ोटो जो है ना क्लिक कर रहे हैं। तो आपको ये यहीं पर कभी भी जाइएगा तो यही गेट से आपको अंदर जाना होगा। जो भी गाइस आते हैं, जो भी ये प्रवेश द्वार है कान्हा का, यहीं से अंदर जाना है। और यहाँ पर जो है आपको टिकट काउंटर है, और ये जानकारी मिला है कि यहाँ पर जो है ना पर व्यक्ति का 1000 रुपये चार्जेस है, मतलब कि 6 व्यक्ति जाएंगे 6000 रुपये चार्जेस है। तो उसमें जो है ना सुबह का टाइम में आप 3 से 3.5 घंटा घूम सकते हैं, जैसे कि अभी 6:30 बजे जाएंगे और 11:30 बजे के आसपास आएंगे, और शाम को 1.5 घंटा कर सकते हैं। तो बेसिकली सभी को जानकारी जो हमको दिया गया है, उन्होंने बोला कि सुबह का टाइम में आप लोग के लिए बेस्ट होगा, जो है ना साइटिंग अच्छा होता है और टाइगर वगैरह जो है ना दिखते हैं। तो चलिए सर, हम लोग आगे चलते हैं, ब्लॉग पर बने रहिए। हेलो गाइस, एक महत्वपूर्ण सूचना, देखिए जब भी आप कान्हा आएंगे तो ये जो है ना 1 अक्टूबर से 30 जून तक खुला रहता है, जैसे 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक, ठीक है, और फिर 16 फरवरी से 15 अप्रैल तक। ये जो है ना पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है, इसको आप लोग फॉलो करके आएंगे, ठीक है। सालों भर जो है ना पार्क खुली नहीं रहता, इस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, जैसे आप लोगों को बताए हैं कि हम लोग जो है ना एडुकेशनल टूर पर आए हैं, और हमारे साथ हर बार की तरह से फिर से ये हैं शुभम पंडा जी हैं, बहुत सारे अपने जज्बात यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। तो शुभम पंडा जी, जोहार साथी, हम लोग आ जाए हैं मध्य प्रदेश, यहाँ कान्हा नेशनल पार्क में। हम लोग खटिया गेट जो है एंट्री पॉइंट है, वहाँ हम लोग हैं अभी, और अभी हम लोग नेचर ट्रेल के लिए निकल रहे हैं। 3 किलोमीटर नेचर ट्रेल है हम लोग का, उसमें देखते हैं हम लोग नेचर में क्या क्या मिलता है, यहाँ क्या क्या वेजिटेशन है, यहाँ देखते हैं, बने रहिए हम लोग के साथ। ये है पर्यटक सुविधा केंद्र, ये एक दुकान है यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। ये इस तरह का है, हाँ, टॉफी बहुत बढ़िया, टॉफी मिल रहा है, किधर मिल रहा है। यहाँ पे जो है देखिए ये सब है, यहाँ टी शर्ट्स, जैकेट्स, टाइगर्स का ही इसमें टैग लगा हुआ है। हेलो गाइस, हम लोग का ये ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया है, सभी पे हम लोग दो दो लाइन बना के चल रहे हैं। काफ़ी हम लोग 80s ट्रेनिंग है, आप लोग देख सकते हैं हमारा वहाँ पूरा प्रूफ है, और जैसे हम लोग जो जो कुछ देखते ही जाएंगे आप लोगों को भी दिखा देंगे जाएंगे, ठीक है। हम लोग नेचर ट्रैकिंग कर रहे हैं, इसमें बोलने मना किया गया है, फिर भी आप लोग के लिए थोड़ा सा बोल ले रहा हूँ। ये कान्हा के पहाड़ के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए इस तरह का नज़ारा है, काफ़ी नीचे में हमारे दोस्त लोग हैं। यह हम लोग जो है ना टावर में चढ़े हुए हैं, यहाँ पर एक टावर है, यहाँ पर जो है सभी सैलानी आके यहाँ पर देखते हैं। इस तरह के ये घने जंगल हैं, हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। इस तरह का ये ट्रैकिंग के लिए रास्ता बनाया गया है। हल्का हल्का बारिश कर रहा है, नमी बना हुआ है। यहाँ पर पगमार्क के बारे में बताया गया है, इस तरह जगह जगह का जो है ना बोर्ड लगाया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है। साल का काफ़ी बड़ा बड़ा वृक्ष आप लोग देख सकते हैं, सुंदर नज़ारा है। मैं जो है ना दीमक के द्वारा जो ढेर बनाया गया है उसके बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं दीमक का जो इस तरह का बाम्बी बनाया गया है, ठीक है, लोकल नाम आप लोग कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना बाम्बी कहा गया है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग देन स्टील बोला जा रहा है, इस्पात से भी मजबूत, क्या है ये कीड़ा मकोड़ा, स्पाइडर को बोला जा रहा है, ठीक है। स्पाइडर अगर दिखेगा तो मैं आप लोग जरूर दिखाऊंगा। रीजनरेशन के बारे में ये जानकारी दिया गया है।
इस तरह का यहाँ नदी नाला भी है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग जो ये पैदल चल रहे हैं, इसमें जो ना 12 किलोमीटर टोटल है, 12 किलोमीटर का पैदल चाल है। तो हम लोग देखते हैं कितना दूर तक सफ़र कर पाते हैं। मेरा तो सांसें फूल गई हैं, चलिए चलते। और एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, जो जगह जगह जो है ना पिलर लगाए, किस लिए है सर? ये कुछ टिप लिखने के लिए है, डायरेक्शन मार के लिए। वो डायरेक्शन के लिए है, ओके ओके, ठीक है सर। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जिस ट्रैक पर चल रहे हैं, ये सीधी जो है आप देख रहे रास्ता है। मेरे जो लेफ्ट साइड है ये कोर जोन है, और मेरे जो राइट साइड है ये बफर जोन है। तो ये जो है ना मिडिल लाइन पे है। और भी कुछ जो जानकारी मिले मैं बताऊंगा, ठीक है। हमारे साथ सुषमा मैडम जी हैं, काफ़ी एनर्जेटिक रहती हैं। आज भी मैं देख पा रहा हूँ बहुत एनर्जेटिक है। मैं मैडम से मेकअप के साथ मैं मैडम से कुछ जानना चाह रहा हूँ। मैडम क्या क्या देखें? अभी तक हम लोगों ने कुछ माइलस्टोन देखे हैं, जिसमें जानवरों को जानकारी है जो यहाँ पाए जाते हैं, और टाइगर स्कैट देखे एक दो जगह पे जो काफ़ी पुराने थे। और उसके अलावा अभी हम लोग अपना चलना जारी रखे हैं, अभी और कुछ मिलने की संभावना है। एक भी टाइगर नहीं दिखा है, एक टाइगर साथ में है, टाइग्रेस भी है। कितने कमा लेते दोस्तों? ये देखिए आप लोग पगमार देख पा रहे हैं, चीतल का है। चीतल मैंने भी देखा है कल शाम को, अगर वो दिखेगा तो मैं दिखा दूँगा। चले जा रहे हैं दोस्तों, काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। और इधर जो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कोर एरिया है, ठीक है। अभी जो है ना जंगली जानवर यहाँ से दिख भी सकते हैं, हमें सतर्क रहना भी है। और हम लोग निहत्ते हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है यहाँ का वीडियोग्राफी करने। प्रकृति का आनंद लेते हुए हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। प्रकृति का आनंद लेते हुए, जैसे मैडम ने कहा, प्रकृति का आनंद जरूर लेना है, लेकिन अपना सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। जंगली जानवर को दिखा रहा प्रयास कर रहा हूँ। ये जो है हनुमान, वाह गजब का ये साइटिंग है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है मुझे, दिख गया है। बंदर आप लोग देख सकते हैं, चिंपैंजी बहुत सारा संख्या में है। आप लोग सभी साथे जानते होंगे, विशाल घास मतलब बांस को बोला जा रहा है। और ये जो है घास प्रजाति का ही ये है, बैम्बो है, ठीक है। बैम्बो जंगल के बीच में है, एक छोटी सी नदी, ठीक है। वाओ, अच्छा यहाँ पर देखिए भालू यहाँ लेटा हुआ था, बालू के ऊपर भालू दौड़ता है, बालू के ऊपर में भालू लेटा हुआ था, ठीक है। देख पा रहा, सुंदर नजारा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वीडियोग्राफी करना बहुत मुश्किल है, बहुत फास्ट है, बहुत लंच अच्छा से बहुत ब्रेकफास्ट अच्छा से करके आना है। लंच हमारा मुँह से गलत से निकल गया, मॉर्निंग टाइम है। हमारा साथी अमित जी हैं, कैसा लग रहा है अमित सर? बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग करने में, लेकिन आपको अपने अंदर ताकत लेके आना होगा इसके लिए। एकदम मजबूत ब्रेकफास्ट, मतलब कि एक ऐसा डाइट लें कि वो कम से कम आपको 3 से 4 घंटे पुश करें ट्रैक करने के लिए। यदि आप लोग जंगल में आए, इस तरह का शूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है देखिए चलने के लिए। कैंप भी है देख सकते हैं। इस जंगल में जो है ना नाला है, जो है पानी के लिए। दोस्तों मैं आपको पहले दिखाया था, नदी मिला था बीच में, तो मैं अभी आप लोग को दिखाना चाहूँगा रोड है। ये जो है मेरा पीछे साइड ये रोड है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है
रोड है भैया। सर हम लोग जब आ रहे थे ट्रैक का बगल में एक पिलर टाइप का बना हुआ था, वो क्यों बना हुआ था? छोटा छोटा सा पिलर, वो मार्गदर्शक है मतलब नेचर ट्रेल में चलने के लिए। अच्छा, तो ये जो हम लोग ट्रैकिंग किया सर, कितना किलोमीटर था ये? ये 3 किलोमीटर ट्रैकिंग किया अपन लोग। जैसे ये सर बता रहे थे कि 12 किलोमीटर का है, तो 7.5 किलोमीटर का है, और फिर इधर का ऐसा मोड़ मोड़ के 3 बार ये ट्रैक है। एक छोटा सा 1.5 किलोमीटर लगभग 2 किलोमीटर का, एक 3 किलोमीटर का, और एक 7.5 किलोमीटर का, तो सब मिला के लगभग 12 किलोमीटर होता है। आपका नाम बता देंगे सर? प्रेम नारायण पदम, वन रक्षक खटिया। थैंक यू सर। हेलो गाइस, आज का नेचर ट्रैकिंग का जो प्रोग्राम था इतना ही था। आपको ये ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और साथ ही हमारे जो साथी हैं अमित माडी जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कैसा लगा सर? बहुत ही मज़ेदार रहा सफ़र, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी ज़रूर आए यहाँ पे और इस नेचर का लुत्फ़ उठाएँ। थैंक यू।